दोस्तों आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। मैं शारिब और आप देख रहे हैं एडवोकेट शारिब ब्लॉग्स। आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये दार्जिलिंग में प्लेस पकौड़ा और डापानी टेंपल्स का है। आप बने रहिए हमारे साथ में, शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग्स। जाम हो रहा है, यहाँ से हम लोग उतर गए हैं और अब हम यहाँ से जो है अपनी आज की फर्स्ट डेस्टिनेशन पे चल रहे हैं। पहला जो है फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारी फिश पकौड़ा है और दूसरी हमारी सेकंड जो है जापानी टेंपल है। आप बने रहिए हमारे साथ में। देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई हैं। फर्स्ट डेस्टिनेशन है फिश पकौड़ा। यहाँ का नेचर और व्यू देख सकते हैं। तो सांस बहुत फूल रही है क्योंकि गाड़ी नीचे खड़ी करी थी क्योंकि यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये यहाँ का बुद्धिस्ट टेम्पल से और इसको जो है फिश पकौड़ा बोला जाता है। इसका नाम फिश पकौड़ा, पता नहीं है ये फिश पकौड़ा क्यों बोला जाता है। लोकल फिश पकौड़ा, लोकल लोगों से जान के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको फिश पकौड़ा क्यों बोलते हैं। सांस खतरनाक तरीके से फूल रही है और सामने आपके जापानीज टेम्पल है। आइए मेरे साथ। ये आप देख सकते हैं तो सामने से जो व्यू आ रहा है नेचर का, आप उसको भी देखिए। देखिए स्तंभ बना हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्तंभ है। साथ में साथ जो फूल रही है तो आप उसको इग्नोर करिएगा और इसका आप देख सकते हैं। मैं इसको पूरा 360 आपको एंगल में दिखा रहा हूँ, इसको आप देखिए। ये यहाँ का पहला टेंपल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। मेरे साथ में कैमरामैन आमिर से बोलूँगा कि इसका पूरा व्यू दिखाएं और फिर यहाँ से हम बड़े टेंपल की तरफ चलेंगे। यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जापानीज में कुछ लिखा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ का। और यहाँ पर अपने शूज़ आपको उतारना है और शूज़ उतार के फिर आपको अंदर की तरफ जाना है। इस छोटे टेम्पल का मैं टाइम टेबल भी आपको बता देता हूँ और इसके जो है हम अंदर आ चुके हैं, शूज़ उतार लिए हैं हम लोगों ने और आपको अब हम ओल्ड समय की फोटोज हैं और अब हम इस भवन में एंट्री कर रहे हैं और इसको आप पुश कर करके ये वीडियोस आप देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत कालीन लगा हुआ है। अब हम यहाँ से सीढ़ियों के
पकड़ पकड़ कर ऊपर की साइड चलते हैं और आप ये सब पुश करके देख सकते हैं। आप यहाँ से इसके बाहर का भी व्यू देख सकते हैं। ये कुछ ये पुश करके आप इसको देख लें। ये जापानी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, जिसको भी पता हो कि हमारे महात्मा गांधी जी उनकी फोटो लगी हुई है। और आप यहाँ की हाथ से बनाई हुई पेंटिंग देख रहे हैं मेरे साथ में। और ये कुछ फोटोज बड़े वाले जो आगे टेम्पल है उसकी, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं देख सकते हैं। और ये यहाँ का ये आप देख सकते हैं कि पूजा के समय फोटो लेना मना है, देख सकते हैं। इसका मैं विकिपीडिया से कुछ यदि मुझे कोशिश हुई यहाँ के लोकल लोगों से इसके बारे में मुझे पता चला तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको डाल दूंगा। और मैं आपको सामने का व्यू दिखा रहा हूँ, कितना ही शानदार व्यू है। आप यहाँ से पकोड़ा टेंपल का व्यू देख सकते हैं। अब हम नीचे चल रहे हैं और फिर वहाँ का भी व्यू आपको दिखाते हैं। शूज पहन लिए हैं और अब हम पकोड़ा टेंपल जो है बड़ा टेंपल है, ये भी डेडिकेट है बुद्धिस्ट जी को। यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सामने हमारा नेचर का व्यू देख सकते हैं। साथ बहुत ज्यादा घूम रही है, आप देख सकते हैं और भी लोग फोटोग्राफ्स। इस रेलिंग को आपको छूना नहीं है, आप देख सकते हैं दरारें वगैरह। और सामने से आप इसकी गहराई भी देख सकते हैं कितना ऊंचे उसमें बना हुआ है। ये आप पूरा एरिया देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्लॉग्स पर। और ब्लॉग्स का नाम तो आपको पता ही होगा, इसको पुश करके आप पढ़ लीजिएगा। ये शायद हिंदी या संस्कृत में लिखा हुआ है, हिंदी में आप देख सकते हैं दो पेड़ जो हैं इस टेंपल की कितनी अच्छी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। यहाँ से हम टेंपल की ऊपरी हिस्से में जा रहे हैं और यहाँ की आप खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ पे मैं शूज उतार रहा हूँ और आपको टेंपल के ऊपरी हिस्से में लेके चल रहा हूँ।
ये देखिए पेड़ वगैरह यहाँ से। इस टेंपल की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा व्यू है आप देख सकते हैं, कितना अच्छा यहाँ से टेंपल का खूबसूरती और अत्यधिक बढ़ रही है। चलने का बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बिना चले आप चीज़ें नहीं देख सकते हैं। और जो हम फर्स्ट टेंपल देख के आए उसका मैं आपको सामने से व्यू दिखा रहा हूँ, कितना ही यूनिक, कितना ही शानदार यहाँ से व्यू आ रहा है। ये इसकी कुछ यहाँ से परिक्रमा करके हम देखते हैं कितना ही खूबसूरत और कितना ही अच्छा यहाँ का व्यू है। ये आप देख सकते हैं इसको, सिर्फ और सिर्फ सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है और आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का आपको पूरा व्यू दिखाऊं। और ये यहाँ का आखिरी डेस्टिनेशन थी यहाँ की, और आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में कितनी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर दार्जिलिंग में यहाँ का व्यू देख सकते हैं कि सुबह का जो टेम्परेचर था वो लगभग पास था और अभी समथिंग टेम्परेचर 16-17 हो रहा है अभी वर्तमान में। और अब हम नीचे चलकर आपको सामने से कुछ व्यू दिखाते हैं। ऐसी जगहों पर जो है चलने का बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से सांस जो है बहुत ज़्यादा फूल रही है। आप शूज मैंने पहन लिए हैं, हम नीचे आ गए हैं और सामने से हम आपको एक बार फिर से यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। और ये व्यू सिर्फ और सिर्फ आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, कितना ही शानदार यहाँ का व्यू आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं ये दो पेड़ और इसके बीचों बीच दो शेर, बहुत ही शानदार व्यू। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करके निवेदन करके उनसे इंतजा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सकते हैं कि मैंने एक अंदर टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर शर्ट और उसके ऊपर जैकेट, वो भी मम्मी और घर वालों ने बोला था कि सर्दी हो रही है तो उसको लेके आए, और सही में यहाँ पे सर्दी का मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। रात में हम लोगों ने दो जैकेट पहनी थी और उसके बावजूद बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी। आप पीछे मेरे
इस टेंपल को देख सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ में, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दें। मैं आपको कलकत्ता से और दार्जिलिंग से अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले टाइम में आपके तक पहुंचेंगे। तो आज का ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और बने रहिए इस ब्लॉग के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।